To all students, I hope you all are doing great. Today let us look at the summary of the story 2 from the book Footprints Without Feet of class 10th CBSC. The name of the story is The Thief's Story. Here we will go through the detailed summary of this story. Later on we'll also read the point wise summary of this story. Let's have the detailed summary of this story. In the detailed summary of the story, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Anil was a young writer. He was living his life very carelessly. Anil jo hai ek young writer tha. He was living his life very carelessly. He was writing for the magazines and earning the money to run his life. और वो क्या करता था मैगजीन में एडिटिंग करता था वहाँ पे आर्टिकल लिख करके दिया करता था और इस तरह से वो अपनी लिवलीहुड को अर्न करता था. वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. एक दिन अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था. हरी बेस्ट न्यू हाउ टू मेक अननोन पर्सन अ फ्रेंड. तभी वहाँ पे एक हरी सिंह आता है जिसको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कैसे अननोन पर्सन को फ्रेंड बनाना है. और ये हरी सिंह कौन होता है, एक थीफ होता है. ही यूज्ड एन ओल्ड फार्मूला टू फ्लैटर द पर्सन. और ये क्या करता था, एक अपना इसका ट्रिक था, एक फार्मूला था कि अगर किसी को दोस्त बनाना है तो ही हैज़ टू फ्लैटर. हरी स्टेड विथ अनिल. हरी जो है वो अनिल को अपना दोस्त बनाता और उसके साथ रहने लगता है. अनिल प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स. और अनिल भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसको कैसे, मतलब उसको राइटिंग करना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक टेस्टी फूड. और उसने उसे कुक करना भी सिखाया. हरी सिंह वॉज गोइंग टू बाय डेली नीड्स एंड हैड प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी डेली. हरी सिंह जो है वो अनिल का फूड लेने के लिए जाता था, उसके जो है डेली कमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए जाता था, क्योंकि हरी सिंह एक थीफ था इसलिए वो 1 रुपी वहाँ से अर्न कर लिया करता था. उसके स्टॉपिंग जो अमाउंट रहता था उस अमाउंट से वो 1 रुपए चोरी कर लेता था और इस तरह से वो पैसे बचाता था. अनिल न्यू इट बट ही डिड नॉट माइंड इट. अनिल को ये बात पता थी लेकिन वो कभी इसका बुरा नहीं मानता था. बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पली. दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे. 1 month पास्ड. हरी सिंह डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस. एक महीना बीत गया और हरी सिंह ने कोई चोरी नहीं की. वन डे ही सॉ अनिल हैड बॉट अ बंडल ऑफ नोट्स. ही सॉ हिम टू पुट देम अंडर द मैट्रेस. एक दिन हरी सिंह ने देखा कि अनिल जो है कुछ नोट को लेके आता है. ही सॉ हिम टू पुट द अंडर द मैट्रेस. उसने देखा कि अनिल जो है उस नोट के बंडल को वो मैट्रेस के नीचे जो है रख रहा था. एज हरी सॉ द बंडल ऑफ नोट्स, जैसे कि हरी ने उस बंडल ऑफ नोट्स को देखा, हिज इविल स्पिरिट अवेकेंड. उसकी जो है जो दुरात्मा थी वो जग गई. एंड ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल दैट नाइट. और उस रात उसने सोचा कि वो अनिल के इन रुपयों की चोरी करेगा. आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली. और डिनर करने के बाद अनिल जो है आराम से सो गया. हरी कुड नॉट स्लीप. हरी जो है वो सो नहीं सका क्योंकि उसको जो है पैसे चुराने थे. ही वोक अप. वो उठा. ही क्रैप टू द बेड. वो धीरे से जो है क्रॉलिंग करते हुए बेड के पास गया. एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस. और धीरे से जो है मैट्रेस के नीचे से पैसे को निकाल लिया. ही फाउंड द नोट्स एंड रैन अवे ऑफ द ऑन द रोड्स. उसको पैसे वो मिल गए और उन पैसों को लेकर के वो भाग गया. हरी सिंह मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड डायरेक्टली गो टू द रेलवे स्टेशन एंड वुड कैच द लखनऊ एक्सप्रेस. हरी सिंह ने एकदम डिसाइड किया था कि वो रेलवे स्टेशन जाएगा और वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस को कैच, मतलब पकड़ करके लखनऊ एक्सप्रेस से वो जो है वहाँ से निकल जाएगा. ही थॉट दैट अनिल वुड नॉट कैच हिम इफ़ ही रैन अवे फ्रॉम द सिटी. उसने ये सोचा कि अनिल जो है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा. अगर वो इस सिटी से बाहर चला जाएगा तो अनिल उसको ढूंढ नहीं पाएगा. हरी सिंह रीच्ड द रेलवे स्टेशन. लखनऊ एक्सप्रेस वॉज अबाउट टू गो. हरी सिंह एकदम सही समय पर पहुँच गया रेलवे स्टेशन पर और लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से बस निकलने ही वाली थी, तभी वो पहुँच गया था. सडनली द गुड स्प्रिट कॉल्ड हिम. अचानक उसके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आती है, एक अच्छे विचार आते हैं उसके अंदर. द इनर वॉइस टोल्ड हिम टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल, नॉट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल. जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो उसको रोकती है कि उसको अनिल का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए. द ट्रेन वॉज मूविंग बट हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट. ट्रेन जा रही थी लेकिन हरी जो है उसको उस ट्रेन को बोर्ड नहीं कर सका. ही वॉज रिमेंबरिंग द इनोसेंट फेस ऑफ अनिल. वो अनिल के जो इनोसेंट फेस था, जो बहुत ही सिंपल, जो बहुत ही काइंड एक नेचर था अनिल का, वो उसको याद आ रहा था. वेन हरी सिंह थॉट दैट वॉट वुड अनिल थिंक अबाउट हिम.
जब हरि सिंह ने ये सोचा कि जो है अनिल उसके बारे में क्या सोचेगा, तो वो अपने आप को वहाँ से वो मूव नहीं कर सका. अनिल वुड नॉट वरी अबाउट द मनी बट ही माइट फील बैड दैट अ मैन हैड ब्रोकन हिज फेथ. अनिल जो है वो उसको ये चिंता नहीं होगी कि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि उसे ये ख़राब लगेगा, उसको ये दुख होगा कि उसने जिस पर्सन पर विश्वास किया उसने उसके विश्वास को तोड़ दिया. देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ हरी सिंह. हरी सिंह के दिमाग में बहुत सारी जो है चीज़ें चल रही थी इन अनिल को लेकर के. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज फेथ ऑफ अनिल. वो अनिल के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था बिकॉज ही न्यू दैट अनिल वॉज अ सिंपल मैन. क्योंकि उसे पता था कि अनिल जो है एक सिंपल मैन है. मोरओवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट एंड एड नंबर्स विच कुड चेंज हिज लाइफ. और इससे आगे क्या था, फर्दर मोर अनिल वॉज टीचिंग हिम, अनिल उसको पढ़ा रहा था. ही वॉज मेकिंग हिम टू एड द नंबर्स. तो ये चीज़ें जब वो लिटरेट हो जाएगा तो उससे उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे. तो अनिल उसके लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रहा था. ही कुड बिकम अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी एंड व्हेन ही वुड बी अ लिटरेट पर्सन सो डेफिनेटली ही वुड बी अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द सोसाइटी. ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, ही केम टू द मैदान एंड सैट ऑन द बेंच. हरी जो है रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ा और वो जो है एक पार्क में आ जाता है और बेंच पे बैठ जाता है. जस्ट देन हैवी रेन स्टार्टेड और ठीक उसी समय जो है काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है. इट वॉज़ द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर का मंथ होता है, थोड़ा थोड़ा विंटर भी जो है स्टार्ट हो जाती है. चिल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग और रेन के बाद जो है ठंडी हवा बहने लगती है. ही फेल्ट मोर अनकम्फर्टेबल एज ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन. तो वेदर तो अनकम्फर्टेबल उसको फील करा ही रहा था और उसके अंदर और भी बहुत सारे जो ऐसे मतलब उसने एक जो बैड डीड किया था, चोरी जो किया था टू द मीन्स फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ हिज लाइफ, जिसको वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा इंसान मानता था, उसके घर उसने चोरी की थी. तो इससे वो एकदम अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था. हिज शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू हिज बॉडी बिकॉज इट वर वेट ड्यू टू द रेन. उसका जो है जो क्लॉथ्स थे वो सब क्या हो गए थे, वेट हो गए थे और इसकी वजह से उसकी एकदम स्किन पर वो चिपक गए थे. देन ही वेंट टू द क्लॉक टावर टू सेव फ्रॉम द रेन. और फिर वो जाता है क्लॉक टावर के नीचे जहाँ पर वो अपने आप को रेन से बचाता है. ही सैट देयर अंडर द टावर. वो टावर के नीचे बैठ जाता है. सडनली ही रिमेंबर्ड हिज नोट्स. अचानक उसको उस नोट्स की याद आती जो उसने चोरी की थी. ही सर्च्ड फॉर इट एंड फाउंड दैट ऑल द नोट्स वर वेट. उसने देखा और जितने नोट्स उसके पास थे वो सब क्या हो गए थे, गीले हो गए थे. ही क्रिप्ट अगेन एंड सीक्रेटली पुट बैक मनी अंडर द मैट्रेस. और फिर वो लौट करके अनिल के घर जाता है और फिर वहाँ पहुँचकर धीरे से जो है जा करके मैट्रेस के नीचे उस वो मनी को फिर से दोबारा रख देता है. द नेक्स्ट डे अनिल वोक अप. और दूसरे दिन अनिल उठता है, प्रिपेयर टी फॉर हरी. हरी के लिए टी प्रिपेयर करता है एंड अपने आप ही हैंड हिमसेल्फ. ही हैंडेड ओवर 50 रुपीज़ नोट टू हरी एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड बी रेगुलरली पेड नाउ. वो उसे हैंडेड ओवर 50 रुपीज़. वो उसको 50 रुपीज़ देता है हरी को और उससे कहता है कि अब उसको रेगुलरली जो है पे करेगा, वो उसे 50 रुपीज़ जो है वो पे करेगा. हरी टुक द नोट एंड फाउंड दैट इट वॉज स्टिल वेट. हरी ने जो है उस नोट को लिया और उसने ये देखा कि अभी भी नोट जो है गिली है. ही अंडरस्टूड दैट अनिल न्यू अबाउट द लास्ट नाइट एपिसोड. और फिर हरी को ये जानकारी हो जाती है कि जो कल लास्ट नाइट उसने चोरी की थी वो अनिल को बात पता चल गई है, इसलिए अब वो उसे 50 रुपीज़ रेगुलर देगा. सो दिस वॉज द डिटेल समरी. नाउ लुक एट द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस स्टोरी. इन द पॉइंट वाइज समरी लुक एट द पॉइंट नंबर 1. द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15-year-old थीफ who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. This time he kept his name Hari Singh. ये कहानी जो है 15 साल के चोर की है जो हमेशा अपना नाम हर महीने बदलता रहता है. किस लिए बदलता है, जिससे उसको पुलिस ना ढूंढ ना पाए और उसके जो ओल्ड एम्प्लायर्स हैं जो उसको नौकरी दिए रहते हैं वो उसको ढूंढ ना पाए उस नाम से, इसलिए वो हमेशा अपना नाम बदलता रहता है. This time he kept his name Hari Singh. इस बार उसने अपना जो नाम रखा वो क्या है, हरी सिंह. द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज़ अ 25-year-old राइटर नेम्ड अनिल. और दूसरा जो व्यक्ति है, जो यहाँ का दूसरा जो करेक्टर है इस स्टोरी का, वो कौन है, अनिल सिंह है और जो कि 25 years old है. अनिल इज़ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन द थीफ अप्रोचेज अनिल एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही फील्स दैट ही हैड नॉट रॉब्ड एनी वन इन द पास्ट फ्यू डेज एंड थॉट इट वुड बी ईजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल. अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था तभी वहाँ पर हरी सिंह जो चोर है वो अनिल के पास जाता है
एंड स्टार्ट्स टॉकिंग, और उससे बात करना शुरू करता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि अनिल जो है उसे ड्रॉप करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सामान्य दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए जाता है हरी सिंह क्योंकि कुछ दिनों से उसने कोई चोरी नहीं की थी, तो उसको अनिल को देख करके बहुत ही ज़्यादा उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत ही सिंपल पर्सन और उसको ड्रॉप करना बहुत ही आसान है। थर्ड पॉइंट, द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह। जो थीफ है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है अनिल से एज हरी सिंह के नाम से। दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम, उसका ये वास्तविक नाम नहीं होता है, एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, क्योंकि वो हमेशा अपना नाम बदलता रहता है टू एस्केप, बचने के लिए किससे, एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस से। पॉइंट फोर, दिस स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेस्लर्स एंड अनिल वॉज लिविंग वैन हरी कॉल्ड हिम अगेन एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड वर्क फॉर अनिल। वो दोनों रेस्लर्स के बारे में बात कर रहे थे और कुछ देर बात करने के बाद अनिल जो है वहाँ से जाने लगा। तभी हरी ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो उसे कोई काम दे सकता है। अनिल सेड दैट ही वोंट बी एबल टू पे हिम बट कुड फीड हिम। अनिल बताता है कि वो उसको कुछ पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन उसे खाना खिला सकता है। इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक, अगर उसे मालूम है कि खाना, वो अगर हरी सिंह खाना बनाना जानता है और वो अनिल के लिए खाना बना सकता है तो अनिल उसे खाने को देगा। हरी लाइट दैट ही न्यू हाउ टू कुक। हरी फिर वहाँ पर झूठ बोलता और वो कहता है कि हाँ उसे पता है कि कैसे खाना पकाया जाता है। अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबव अ स्वीट शॉप। अनिल जो है वो हरी को अपने रूम पर ले जाता है जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर है, और उस स्वीट शॉप का नाम क्या होता है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर ले जाता है और वहीं पर उसका रूम रहता है। हरी कुक द मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट। हरी ने उस रात खाना तो पकाया लेकिन वो इतना टेरिबल था, बहुत ही बैड था, बहुत ही इंस्पिट था, बिल्कुल बेस्वाद खाना उसने पकाया और अनिल ने उसे खाया नहीं, और उसको किसको दे दिया था, स्ट्रे डॉग्स को। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राई टू प्लीज अनिल। अनिल हरी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए लेकिन हरी जो है वो कोशिश करता है कि वो अनिल को खुश कर सके। सिक्स पॉइंट, अनिल कुड नॉट स्टॉप लॉफिंग लुकिंग एट हिम। और जब हरी जो है कुछ तरीके अपनाता है उसको खुश करने का तो उसको ऐसा देख करके अनिल हंसने लगता है। अनिल अग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक। अनिल कहता है कि चलो वो उसको खाना बनाना सिखाएगा एंड राइट फुल सेंटेंसेज एंड ऐड नंबर्स, और उसको पढ़ना मतलब लिखना भी सिखाएगा, नंबर्स भी ऐड करना सिखाएगा, मतलब वो उसको लिटरेट भी करेगा। नेक्स्ट, हरी मेक्स टी इन द मॉर्निंग एंड देन गोज आउट टू बाय द ग्रॉसरीज फॉर द डे। हरी जो है सुबह उठता था, वो अनिल के लिए चाय बनाया करता था और उसके बाद जो है फिर ग्रॉसरीज के लिए, डेली कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए वो जाता था क्योंकि वो चोर था। तो ही ऑल्सो यूज टू स्टील 1 rupee फ्रॉम द मनी दैट इज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रॉसरीज एवरी डे। जो ग्रॉसरीज के लिए उसे पैसे मिलते थे वो उसमें से 1 rupee चुरा लिया करता था, 1 rupee बचा लिया करता था और उसको अपने पास रख लेता था। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। अनिल को यह बात पता थी कि वो 1 rupee उसमें से ले लेता है लेकिन वो कभी इसका बुरा नहीं मानता था। पॉइंट एट, अनिल यूज टू मेक मनी बाई इरेगुलर वर्क्स। अनिल जो है कुछ इरेगुलर वर्क करता था, मतलब वो कुछ मैगजीन वगैरह लिखता था और उससे पैसे कमाया करता था। समटाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे वेन ही हैड मनी ही वुड बी लैंडिंग इट टू अदर पीपल। अक्सर जो है अनिल लोगों से पैसे उधार लिया करता था और जब उसके पास पैसे हो जाता था तो वो लोगों को उधार दिया भी करता था। तो बोरो मीन्स क्या होता है कि उधार लेना और लैंड मीन्स क्या होता है उधार देना। पॉइंट नाइन, वेन एवर ही यूज टू गेट मनी ही वुड गो आउट विद हिज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट। जब कभी अनिल को पैसे मिला करते थे तो वो बाहर जाया करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करता था, मूवी देखता था और इन्जॉय करता था। पॉइंट टेन, वन डे अनिल केम इन विथ अ बंडल ऑफ नोट्स एंड केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। एक दिन अनिल जो है वो कुछ पैसे, बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है और उसको अपने बेड के मतलब बेड के नीचे जो है मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख देता है, उसको सेफली रख देता है। पॉइंट 11, हरी रियलाइज दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर मोर देन अ मंथ। हरी वहाँ पे रियलाइज़ करता है कि वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और वो अनिल के लिए काम करता है इस घर में, एंड हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द 1 rupee। और अब तक उसने कोई भी पैसे नहीं चुराए क्योंकि वो चोरी के मकसद से आया था अनिल के पास, लेकिन अब तक उसने कोई भी पैसे नहीं चुराए और सिर्फ वो 1 rupee ही चुरा पाता है जब वो डेली कमोडिटीज़ को बाय करने जाता है, मतलब खरीदने जाता है, तभी सिर्फ 1 rupee ही चुरा पाता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाता है। हरी हैड मेनी चांसेस टू स्टील एज ही हैड द की टू द रूम एज वेल। अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने हरी को चाबी भी दे रखी थी रूम की और वो उसके पास बहुत मौके थे चोरी करने के लिए। पॉइंट 12,
हरी हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ। हरी सिंह ने इतना जो है ट्रस्टिंग पर्सन, इतना ईमानदार, इतना विश्वसनीय आदमी जो है अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था अब तक। दिस ट्रस्ट थिंग वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग अनिल। और ये जो अनिल का ट्रस्ट था हरी के ऊपर, यही एक रीज़न था कि वो उसको हमेशा उसे रोकता था कि वो अनिल की कोई चीज़ ना चुराए। एज हरी थॉट दैट रॉबिंग अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस बिकॉज ही माइट नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टुक आउट ऑल द फन ऑफ फ्रॉम द वर्क। और वो ये भी सोचता था कि एक ऐसा पर्सन जो कि केयरलेस है, जो कि बहुत ही लापरवाह है पैसों को लेकर के, उसको रॉब करना जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये ऐसे पर्सन को रॉब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई असर ही नहीं होगा, और इससे चोर को जो है चोरी करने का मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब चोर को चोरी करने का मज़ा तब मिलता है जब जिसकी वो चोरी करता है वो परेशान होता है, तो उसकी परेशानी को देख करके चोर को अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है उसकी चोरी का जो फ़न है वो उसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो अनिल को, अनिल की चीज़ों को मतलब स्टील नहीं करता है। पॉइंट 13, हरी थॉट ऑफ स्टीलिंग अनिल्स मनी एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ दैट इफ ही डिड नॉट स्टील मनी फ्रॉम अनिल देन ऑल्सो ही वुड वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। हरी जो है वो चोरी करने के लिए सोचता है अनिल के पैसों को, और अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को जो है डिटरमाइन करता है कि वो सही है चोरी करने के लिए, क्योंकि अगर वो उन पैसों को चोरी नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे जो है अनिल जा करके अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको स्पेंड करेगा। पॉइंट 14, हरी देन वोक अप एट नाइट एंड क्वाइटली क्रॉल्ड टू अनिल्स बेड। हरी फिर जो है उठता है रात में और वो धीरे से जो है अनिल के बेड के पास जाता है, वो पैसों को चुराता है एंड डिसाइड्स टू लीव द सिटी बाई लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30। और वो डिसाइड करता है कि वो 10:30 बजे की ट्रेन से जो है लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से इस शहर से बाहर चला जाएगा। पॉइंट 15, बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी एंड इट वॉज 600 रुपी इन 50 रुपी नोट्स। ही कुड लिव अ लेविस लाइफ फॉर 2-3 वीक्स विथ सो मच मनी। जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो उससे पहले वो पैसों को काउंट करता है, तो वो टोटल होता है 600 रुपीज़ होता है, जिसमें 50 रुपीज़ की नोट्स होती हैं, 50 रुपीज़ की 12 नोट्स होती हैं, और वो टोटल सम जो होता है वो 600 रुपीज़ होता है। और वो 2-3 वीक जो है इन 600 रुपीज़ से बहुत ही लेविसली, बहुत ही आराम से खूब खर्चे करके वो अपनी मतलब अपनी 3 वीक्स को जो है पास कर सकता है इतने ढेर पैसों के साथ में। पॉइंट 16, व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है धीरे धीरे चल चुकी थी, मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से जा रही थी। ही कुड हैव इजली कॉट द ट्रेन बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीजन फॉर इट। वो ट्रेन को बहुत आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा घबराता है अपने आप में, और उसको ये रीज़न खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्यों नहीं मूव कर पा रहा है और क्या रीज़न है जो वो ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पा रहा है। After the train had left, Hari was all alone at the train station. He was left with no place to sleep at night. जब ट्रेन चली जाती है तो वहाँ अकेला वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, और उसके पास कोई जगह भी नहीं होती जहाँ पर वो सो सके। The only person he knew was Anil and he had looted him as well. एक खाली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको ये जानता था वो कौन था, अनिल था, और इसने उसको भी जो है उसके यहाँ भी उसने चोरी कर ली है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके वो बहुत दुखी होता है। पॉइंट 18, ही रियलाइज दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट अ मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब विच वुड पे हिम मच मोर देन दीज फ्यू 100 रुपीज़। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस। उसने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि अनिल उसको पढ़ना सिखा रहा है, उसको लिखना सिखा रहा है, उसको नंबर ऐड करना सिखा रहा है, तो इस तरह से वो लिटरेट हो रहा है, और इस हेल्प की वजह से वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति बन सकता है। और वो शायद जो उसने 600 रुपीज़ चुराए हैं उससे ज़्यादा कहीं उसको पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए ऐसा सोच करके वो अनिल के घर वापस जाने की सोचता है। पॉइंट 19, ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक। वो वहाँ पर पहुँचता है अनिल के रूम पर, और मनी को जो है बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही चुपचाप जो है बिना कुछ जाने हुए अनिल को वो जाकर रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोकअप अ बिट लेट, और दूसरे सुबह जब वो उठता है, क्योंकि रात भर काफ़ी जगह होता है तो वो थोड़ा सा लेट उठता है, और तब वो देखता है कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी। अनिल ने जो है उस सुबह जो है अपनी चाय खुद ही बना ली थी। पॉइंट 20, अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली। अनिल जो है वो हरी को 50 रुपीज़ देता है और उसको ये बताता है कि जो भी काम वो करता है अब उसको उसके लिए पैसे मिलेंगे और उसको रेगुलर उसे जो है पे किया जाएगा जो भी वो काम करता है। पॉइंट 21, हरी टुक द नोट इन हिज हैंड एंड रियलाइज दैट द नोट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। हरी जो है उस नोट को अपने हाथ में लेता है और ये रियलाइज़ करता है कि नोट अभी भी
लास्ट नाइट जो रेन हुई थी उससे गीली हो चुकी थी। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो, हरी को ये पता चल गया था कि अनिल को ये बात पता चल गई होगी अबाउट हिज मिस डीड, जो उसने चोरी का काम किया था, बट देयर वॉज नो सैडनेस एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड। लेकिन वहाँ पे कोई वो दुखी नहीं था, ना ही कोई उसको गुस्सा था और ना ही कोई वो अपने आप को दोषी मान रहा था, ऐसा कुछ भी उसके फेस पर दिखाई नहीं दे रहा था। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, और जब उसको ये बात पता चल जाती है कि अनिल को ये बात पता है तो वो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही जेन्युइन ब्यूटीफुल वे, एंड इट वॉज जेन्युइन हैप्पीनेस एज ही न्यू दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग डूइंग्स। तो ये जो नरेटर है, नरेटर कौन है, थीफ ही है। तो थीफ जो है वो स्माइल करता है, और स्टोरी में जो है कई जगह वो जो है अनिल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ वो कई बार उसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दिया करता था, और इस लास्ट टाइम उसके फिर जो है मुस्कान उसके आती है चेहरों पर, और वो क्या होती है, जेन्युइन होती है, वो रियल होती है। उसके पहले फेक होती है जहाँ पर वो सिर्फ अनिल को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ और वो जानबूझ करके इस तरह से स्माइल करता था, लेकिन इस बार जो है जो मुस्कान होती है, जो उसकी स्माइल होती है, वो जेन्युइन होती है। और वो क्या करता है कि वो इसलिए मुस्कान आती है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने आप को गलत करने से बचा लिया है, और उस बचाने जैसे उसने अपने आप को बचाया उसमें अनिल ने पूरा सपोर्ट किया है। अनिल ने भी उसको कुछ भी नहीं कहा है जो उसने उसके साथ मिसडीड किया था, तो उसको लेकर के अनिल ने भी कुछ भी जो है एक्सप्रेस नहीं किया है, और इससे वो बहुत खुशी होता है और उसको लगता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। इस तरह से इस स्टोरी का एंड होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट वाइज समरी।